ये बुरी शक्ति कौन है? और ऐसे उपकरण और यंत्र को अपने वश में करके क्या हासिल करना चाहती है ये? बालवीर, शायद इस बुरी शक्ति की मंशा पृथ्वी लोक का विनाश है। बालवीर, परियों, पृथ्वी लोक की बहुत सारी चीजें यंत्रों पर निर्भर है, और बालवीर यही खतरनाक यंत्र अगर किसी बुरी शक्ति के हाथ आ जाए तो बालवीर विनाश तय है। ये कैसी आवाज है? कहीं उस बुरी शक्ति ने अपना खतरनाक खेल शुरू तो नहीं कर दिया रानी परी? हमारा सामान ना किसी स्कूल के बच्चे ने चुराया नहीं है, ये पक्का किसी बाहर वाले का काम है। इस स्कूल के बच्चे में हिम्मत ही नहीं है कि वो मॉन्स्टर द ग्रेटेस्ट लखन का सामान चुराए। तो बस हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे कैसे? हमें ना चोर के जैसे सोचना होगा, बदमाश दिमाग से। तो मोंटू बस ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं तो एकदम भोला भाला बच्चा हूँ। मतलब के मोंटू बस सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें चोर की तरह काम भी करना पड़ेगा। राइट, हमें चोरी करनी पड़ेगी। चल कहाँ पिज्जा खाना? चोरी करने, और अब चोरी करने के लिए हमें कोई शिकार भी तो ढूंढना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं का कुछ अक्कल। रोहित चल जल्दी जल्दी उस आंटी के पीछे भागते और आंटी का पर्स चुरा लेते, और वैसे भी वो अपना पीछा भी नहीं कर पाएगी। हाँ बंटूस, आप ना अब फुल स्पीड में भागना। हाँ, क्योंकि जो भी आपके पीछे भागता है ना तो आपको 2 मिनट में पकड़ लेता है। अरे बेवू को पकड़ लेता है तो ठीक है ना, पर ये तो आंटी है, ये हमारी पिटाई भी नहीं करेगी। हाँ मोंटूबस, लेकिन मोंटूबस हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि चोरी कैसे करते हैं, हम उनका पर्स उन्हें वापस दे देंगे। हाँ चल, अब चल। बच्चों के चोरी कर तो शर्म नहीं आती? आदमियों के सजा मौरत बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? मैं तो शूटिंग में जा रहा हूँ, मेरा गेटअप है वैसा। अरे ये पहले छोड़ मोंटू बॉस को, चल। करे अब कुछ और सोचना होगा। मुझे ही क्यों मारते? पृथ्वी वासी सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं पृथ्वी पर वार करने जा रही हूं, जिसके बाद मैं पृथ्वी के एक एक टुकड़े का विनाश करना शुरू कर दूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। टाइप कर रहा है, पता नहीं अचानक सिस्टम को क्या हो गया। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा ही रहा
रहा तो थोड़ी देर में प्लेन क्रैश हो जाएगा। तूने वॉलेट बैग में क्यों नहीं डाला था? वो क्या है ना मोंटोबस, देखो ना वॉलेट में कितने पैसे, अगर वॉलेट भी चोरी हो जाता तो मुझे रिस्क नहीं लेना था बॉस। पर मोंटो बॉस, आप एक चीज लिखना भूल गए इस बोर्ड पे। क्या? यही कि आप बेवकूफ हो। मतलब मोंटो बॉस, ये ऐसे बेवकूफ भरे आइडिया आपके दिमाग में आते कैसे? देखो अब पहले से मेरी घड़ी तो चली गई आपके चक्कर में, अब ये वॉलेट भी चला जाएगा। डोंट वरी, मैंने मेरे सोने की चेन भी डाली। जैसे खाना डाल के चूहे को पकड़ने के लिए हम जाल बिछाते हैं, वैसे ही चोर को पकड़ने के लिए हमने सोने की चेन डाल के और तेरा वॉलेट डाल के जाल बिछाया। और अब वो लालची चोर आएगा और यार चोरी करेगा और फिर हमें यू उसे पकड़ लेंगे। अब चल चल के कहीं छुपते। हाँ चलो चलो। मोंटू बॉस, मैं तो आपके पीछे भी छुप सकता हूँ, लेकिन दुनिया में आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जिसके पीछे आप छुप सको। चल वहां छुपते। चल चल बस। तो बस वैसे शक्ल से तो आप ही चोर लगते हैं। तमान। अरे वो आज तो बोला तू दिने लता लोदली लद्दई मेली। अबे तेरी तो कौन है तू? अरे मैं रोहितू और ये हाथी मेरा साथी है, मतलब मोंटू मेरे बॉस है। शाबाश रोहित, इसको ऐसे पकड़ कर रख, अभी मुझे मेरा वॉलेट और बाकी का सामान भी मिल जाएगा। के इंजन पर नियंत्रण करना होगा। बाल मित्र, तुम बाएं इंजन की तरफ जा। बाल सखी, तुम दाएं इंजन की तरफ जा। और मैं आगे जाता हूं। फिर भी प्लेन ऊपर कैसे जा रहा है? लगता है बालवीर आ गया अपने दोस्तों के साथ हमें बचाने के लिए। चल पता
एवीपी विद्या मंदिर से जो सामान चुराया था ना वो कहाँ है? मोंटू बॉस लगता है आपको देखकर इसकी बोलती बंद हो गई। ए गूंगा हो गया क्या? बोलना ए गूंगे। अरे बोले ए वो गू, तूने उसका मुंह पकड़ कर रखा है, हाथ निकाल तब तो बोलेगा ना। हाँ चले। मैंने तमाम गोली नहीं दिया। तमाम तो नहीं किया। अबे बेवकूफ क्या किया तूने इसके साथ? अब ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। मोंटू बॉस मैंने कुछ नहीं किया, लगता है ये कोई और देश है। अरे भाई तू कौन से देश का है? तेरी भाषा क्या है? हाँ फ्रांस यूरोप जापान चाइना। अरे चुप कर, तू क्या करना है इसका देश जान के? इसकी भाषा सीखने वाला है क्या? देख तू जो भी देश से आया होगा ना उस देश की भाषा में बता हमारा सामान कहाँ है, बता। अरे मेरे पास तुम तक तो कमान नहीं है। श्विंगम बार फेंक के बोल। मैंने तीन दम नहीं चाया, पहले मैं बचपन से तोतला हूँ। अरे तू क्या बोला वो बात मुझे समझ नहीं आई। अरे वाह बॉस वाह, क्या तितला कर बोले आप? चल जल्दी बता हमारा सामान का है, बता। सामान चाहिए? वन मिनट। चल जल्दी सामान दे। अरे मम्मी दन नहीं दन गा गन गन दन 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 चलती भी है तला तन दिखाऊं क्या? क्या बोल रही है? ये बोल रहा है कि ये गन चलती भी है, चला कर दिखाऊं। चलती है? फिर तो ये इम्पोर्टेड होगी। चलती है तो पर इसके पैर कहाँ है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। मोंटू बॉस आपको दिमाग नहीं है क्या? अरे बॉस ये चला कर दिखाऊं मतलब फायर करके दिखाऊं। फायर? नहीं नहीं आपके पास ही लगी है। देती है चलती नहीं धमाका चलती है। कल के दिखाओ। नहीं 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 और लोगे मुत्ता बंगा। बालवीर बाल सखी और बाल मित्र हमें आप तीनों पर गर्व है। आपने खुद चोट को सहकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की है। आज आप तीनों ने यह साबित कर दिया कि आप तीनों सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं, उसके शत्रु नहीं। मित्र आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। बाल मित्र आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपको गहरी चोट लगी है लेकिन कुछ दिन आराम करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नटखट परी आप? रानी परी आपने जैसा कहा था हमने वैसा यंत्र बना तो लिया है लेकिन हमारे चारों ओर खतरा होने के बाद भी ये यंत्र हमें किसी भी खतरे के बारे में कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। क्या नटखट परी आप चिंता मत कीजिए, हम इसका अभी निरीक्षण करते हैं। कर रहा है और खतरे की दिशा भी बता रहा है। बालवीर इसका मतलब खतरा कहीं बाहर नहीं है बल्कि इस यंत्र और इस जैसे सभी यंत्रों के अंदर है। और बुरी शक्ति ऐसे ही यंत्रों के साथ जुड़ी हुई है और इन यंत्रों की मदद से वो हमें किसी बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। मैं तिलाते था थप्पे बला तोल डबल तोलूं। अरे तो क्या हुआ? मोंटू बॉस भी इस एरिया के सबसे बड़े बेवकूफ है। इदाला मल्लते पुलित मेले पीते लदी है।
अबे तो क्या हुआ? अबे 11 स्कूल के टीचर्स भी मोंटू बॉस के पीछे लगी पड़ी है। मैं तो दही तला दूंगा। तला मत। देखिए अंकल, हम भोले भोले छोटे बच्चे, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। दाने दुंदा, पलित की थदा मिले दी, बालो बाल मिले दी, तलो तलु पकोड़े। नहीं बस समोसे। अरे तलो नहीं, तलो तलो दातल दंदे उठातल लाओ दल्ली दाओ। अरे दल्ली तलो दल्ली। अब मंटवास तला दुंदा। चलो ये दूध ले तो मालो। ए मोदे दल्ली मालो। सॉरी रोहित, सॉरी। अच्छा अरे ये तो दिवाली में पटाखा फोड़ने वाली पिस्टल है। तो मैंने क्या बोला था, ये तलती नहीं धमाता भी तलती है। दाई दाई। अरे बहुत ये नकली बंदूक के तक्कल, ये नकली बंदूक ले पहले। अरे बॉस, ये नकली बंदूक के चक्कर में हम दोनों ने एक दूसरे की धुलाई कर दी। धुलाई की वो तो ठीक है, पर वो तो हमारा सामान भी लेकर गया। मम्मी मेरा पर्स लेके। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आ जाऊंगा। मैं इतवार के दिन आऊंगा और पूरा काम खत्म कर दूंगा। नहीं सर, आप फिकर, मुझे पता है छुट्टी का दिन है, लेकिन मेरे लिए काम पहले, वर्क फॉर। हाँ सर, नहीं 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 नहीं, ओवर टाइम नहीं मांगूंगा सर मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। रानी परी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस बुरी शक्ति ने सारे आधुनिक यंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बालवीर, परियों, अब हम इन आधुनिक यंत्रों की सहायता से उस शक्ति को खोजेंगे और उस तक पहुंच कर रहेंगे। आर पार परी, भटकाती परी, अचकाती परी और वृषधार परी, आप चारों परियां नटखट परी के बनाए इस यंत्र को लेकर उस अदृश्य बुरी शक्ति को खोजने का प्रयास करेंगे। जी रानी परी। परियों, आप सबको इस यंत्र से निकलने वाली रोशनी की दिशा की तरफ जाना होगा। ये रोशनी आपको अलग अलग आधुनिक उपकरणों में से निकलकर सीधा उस बुरी शक्ति की तरफ लेकर जाएगी। और जैसे जैसे आप इन खतरनाक यंत्रों को नियंत्रण करने वाली जगह के पास पहुंचेंगे, इसका चेतावनी स्वर उतनी ही तेजी से बजने लगेगा। रानी परी, इससे पहले कि वो बुरी शक्ति अपनी अगली चाल चले, हम उसे रोक पाएंगे। हाँ, और हम उसे उसकी गलती की सजा भी देंगे। तो परियों, बुरी शक्ति को खोजने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। जी जी रानी परी। बस एक बार उस बुरी शक्ति के बारे में हमें पता चल जाए जो हमारे पृथ्वी लोक के विनाश का सपना देख रही है, फिर मैं अपने हाथों से खुद उस बुरी शक्ति का विनाश करूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.